हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, जो भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स इस टफ टाइम में एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, दे आर द रियल वॉरियर्स। रियली यू आर यूजिंग योर टाइम एट द बेस्ट लेवल। दोस्तों, मैं आपके सामने आया हूं रिवीजन प्लान लेके कि किस तरह से आपको इनडायरेक्ट टैक्स, जो पेपर नंबर 8 होगा, लास्ट पेपर, जिस दिन का आप तहे दिल से इंतजार कर रहे हो, वो पेपर को हमको किस तरह से रिवाइज करना है, वो 1.5 डे को कैसे मैक्सिमम हमें यूटिलाइज करना है, एंड किस सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। पर बच्चों, डोंट बी एवर नेगेटिव, स्टे पॉजिटिव, और बहुत बहुत दम लगा के जिस तरह से आप एग्जाम देने की हिम्मत दिखा रहे हो, उसी तरह से आपको दम लगा के पढ़ाई करना है। बस ये इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आपका हुआ, फिर आप आजाद पंछी, और जो सपने आप अभी सोच रहे हो वो सब पूरे करेंगे हम एग्जाम खत्म होते ही। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, पर हाँ, भगवान ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया, किसी को हाइट ज्यादा दी, किसी को कम दी है। पर दोस्तों, भगवान ने सबको एक चीज बराबर दी, वो है वक्त, टाइम। 24 आवर्स इन अ डे, 365 डेज इन अ ईयर। दोस्तों, ये वक्त जो भगवान ने सबको इक्वल दिया है, इस वक्त को हम कैसे यूज करते हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। सो इट इज द टाइम टू यूटिलाइज द टाइम एट द मैक्सिमम पॉसिबल। बच्चों, आपको इस टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, एंड यस, ये ध्यान रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बच्चों, हम बात करते हैं किस तरह से हमें इनडायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करना है। मैंने इनको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में डिवाइड किया है। दोस्तों, ये जो स्लाइड है, ये जो आपको पीपीटी दिख रहा है, ये मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, प्लस अपना जो वेबसाइट है vyamconcept.com, वहां पे भी जो डाउनलोड्स वाला सेक्शन है वहां मैं ये डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। सो दैट, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि कौन से चैप्टर को कितना मिनट्स आपको देना है। मैंने एक एक चैप्टर वाइज डिफाइन किया है कि कैसे आपको रिवाइज करना है। आइए बच्चों, सबसे पहली बात हम करते हैं, जब आप 4th of December 2020 को डायरेक्ट टैक्स का पेपर देके आएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स एक बहुत बड़ा, बहुत हैवी पेपर होता है, तो आपको डेफिनेट सी बात है, आपके माइंड को शांत रखना पड़ेगा। डीटी के पेपर के बाद, डीटी के पेपर में क्या हुआ, पेपर कैसा हुआ, पेपर लेंदी आया या कैसा भी आया, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, और वो ही दिन आपको इनडायरेक्ट टैक्स जल्दी से जल्दी पढ़ने बैठना है, जितना जल्दी हो पाए। और आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हो रिवीजन लेक्चर्स के साथ। जी हाँ, वही रिवीजन लेक्चर्स जिन्होंने माहौल बनाया था आपके रिवीजन के टाइम पे, उन रिवीजन लेक्चर्स से आप शुरुआत करिएगा। सो दैट आपकी स्पीड बन जाएगी, और पिछले पेपर में क्या हुआ उसका भूल के आपका माइंडसेट जो है पूरा फोकस कर लगा पाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। दोस्तों आइए, सबसे पहले आपको शुरुआत जब करनी है 4th December को ही, ध्यान रखना, दिस डे 4th December जो आप रिवाइज करोगे, दिस विल मेक अ डिफरेंस। 4 दिसंबर को जितना आप कवर कर लेंगे, दिस विल मेक अ डिफरेंस रियली स्पीकिंग। सर, ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने आपको चैप्टर नंबर वाइज चैप्टर का नाम लिखा है, फिर लिखा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन। ये है एस्टिमेटेड टाइम, ये जनरल टाइम बता रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। क्लियर? आपके चैप्टर सारे आपको कवर करने हैं, वी कांट ऑप्ट फॉर कुछ पोर्शन पढ़ लिया, कुछ चॉइस पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हम हर एक चीज कवर करेंगे। और लास्ट कॉलम में मैंने दिया है रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब, वो कितने मिनट का है। बच्चों, सबसे पहले आप जब 4 दिसंबर को डायरेक्ट टैक्स का पेपर देके आएंगे, रिलैक्स होइए, कुछ खाइए, 10-15 मिनट आराम करिए, और फिर फुल ऑफ एनर्जी के साथ, माहौल के साथ आप शुरुआत कर दीजिए। ये सबसे पहला पोर्शन जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 जो दिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 4th December को मेरे को सोने से पहले ये सब कंप्लीट करना है, और रात को लगभग 1 बजे तक ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो सर, ध्यान दीजिए, मैंने हर चैप्टर का आपको ड्यूरेशन भी दिया है। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है जीएसटी का, जिसमें ये दिया हुआ है कि इंट्रास्टेट सप्लाई पे
कौन सा टैक्स लगता है, इंटरसेट पे कब टैक्स लगता है, कैसे लगता है, एंड उसको कैसे आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं हम, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि आर्टिकल कौन सा अब ऑथराइज करता है जीएसटी के लिए, ये सब कुछ जो क्वेश्चनर में एमसीक्यू दिया मैंने उसके रिगार्डिंग क्लियर 15 मिनट में हो जाएगा पूरा ये। देन लेवी ऑफ जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, शेड्यूल 1, 2, 3, इट विल टेक अराउंड 1 आवर 30 मिनट। देखिए मैंने साथ में आपको दिया है 45 मिनट्स, देखिए ध्यान से 45 मिनट्स का रिवीजन लेक्चर जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है वो 45 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करता है, पर मैंने कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया है, सो दैट आप क्या करिएगा बेटा, चैप्टर वाइज जो अपना रिवीजन लेक्चर है उसको सुनते रहिएगा और साथ में बुक ओपन रखिएगा, क्लियर। अगर आपको जब आप लेक्चर सुन रहे हो रिवीजन लेक्चर साथ में आपको बुक में कुछ रेफर करना है तो बुक में रेफर भी करते गए, अगर बीच में आपको पॉज करना, लेक्चर को पॉज किया, कुछ पढ़ना है बुक में से देख लिया, तो टोटल 1 आवर 30 मिनट में अराउंड आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। देन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 3 40 मिनट्स, इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम 40 मिनट बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर ही है, पर हाँ ध्यान रखिएगा इन सब टॉपिक को जब रिवाइज करते हो इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए आपका। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चनर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे वो भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी आप टॉपिक को रिवाइज करते हो तो हर चैप्टर में जहां आपको बड़े क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे वो आपने स्टार मार्क किया होगा लास्ट डे रिवीजन के लिए, तो वो सब क्वेश्चन भी साथ साथ आपको करने हैं, जिसमें आईसीए के क्वेश्चंस भी आ गए अपने बुक के अंदर, आरटीपी एमटीपीज भी आ गई अपने बुक के अंदर, वो सब भी आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, क्लियर। देन कंपोजिशन स्कीम, इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स, पर देखो बेटा ये 50 मिनट का चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो छोटा है पर मैंने क्वेश्चनर में एक बड़ा ही सुंदर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन दिया जो आरटीपी का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को जिसमें कैलकुलेशन दे रखी कंपोजिशन स्कीम से अगर ऑप्ट आउट हो जाते हो आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो साहब आईटीसी कितना मिलेगा, आपने उसके बाद इनपुट्स वगैरह परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किए, स्टॉक का क्रेडिट कितना मिलेगा, वो सब कुछ जो बड़ा है क्वेश्चन दे रखा आपको याद आया होगा वो भी क्वेश्चन कवर करना है, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये कंपोजिशन लेवी ये सब कुछ कवर करते हुए 50 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा आराम से। ये सब जो मैंने कैलकुलेशन कही कितना टाइम आपको लगेगा ये बहुत सोच समझ के 3-4 बार इसको मैंने समझा है, सोचा है, रिवाइज कराया है और हर एक चीज को मैंने कैलकुलेट करके इसको समअप किया कि कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके पास होंगे इस 1.5 डे में और कैसे आप कवर करेंगे, उस अकॉर्डिंग ही मैंने आपको दिया है, ओके। सो प्लीज प्लीज इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा पूरी। देन आईजीएसटी एक्ट जो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अदर रिलेटेड प्रोविजन है, इट विल टेक अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स, ये रिविजन लेक्चर 37 मिनट कवर करता है, ये क्लियर। YouTube पे जो रिवीजन लेक्चर है वो 37 मिनट में पूरा हो जाता है, पर 1 आवर 15 मिनट्स इट विल टेक इंक्लूडिंग ऑल सर्कुलर्स वगैरह। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 6, 7, इसमें देखिए चैप्टर नंबर 5 नहीं है, चैप्टर नंबर 7 नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम कवर करेंगे। ये आपका टारगेट हो गया डे फर्स्ट जो 4th of December होगा डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर देने के बाद, ओके। दिस टोटल विल टेक अराउंड 5 आवर 20 मिनट्स, आप लगभग मान लीजिए 5.5 घंटे, पर हाँ ये दिन 4 दिसंबर इज द चेंजिंग टाइम, यू नो यहां पे जिसने ये कवर कर लिया वो तोड़ देगा एग्जाम को, ध्यान रखना। आइए बच्चों, देन जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे मॉर्निंग में कोशिश करिएगा जल्दी उठने की जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, जितना एनर्जी दे दी मजा आ जाएगा सर। देन सबसे पहले उठते ही भगवान के दर्शन करिएगा, हमारे इंडायरेक्ट टैक्स के भगवान कौन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी सर, इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स, पर हाँ नॉट मोर देन 3 आवर्स। बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें रूल नंबर 43 में अमेंडमेंट था कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आई डोंट नो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर अमेंडमेंट बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा अमेंडमेंट था, इसलिए उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। देन आईटीसी में एक और जो प्रोविजनल बेस पर आप क्रेडिट ले सकते हो मैक्सिमम, क्लियर, 10% तक का मैक्सिमम क्रेडिट आप ले सकते हो, वो भी प्रोविजनल बेस पर, जब तक आपके पास टैक्स इन्वेस्ट नहीं है फिर भी आप प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो, वो भी अमेंडमेंट था, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ओके। देन सर्कुलर वगैरह दे रखे, ये सब कुछ आपको कवर करना है। ब्लॉक क्रेडिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द आईटीसी चैप्टर, ओके क्लियर, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है उसका, ओके बच्चा। देन आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 93, सेक्शन नंबर 94 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 याद है ओला ओबर वगैरह, इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स। देन मेगा एग्जिमिशन लिस्ट, सरकार सर चैप्टर नंबर 9 एग्जिमिशन अंडर जीएसटी सर्विसेज की जो एग्जिमिशन दे रखे, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा ये, पर यस रिविजन लेक्चर में हर एक पॉइंट कवर है, पूरा ढंग से कवर किया है, डिटेल में कवर किया है, 1 आवर 34 मिनट में पूरा रिविजन लेक्चर कवर हो जाएगा। मैं मानता हूं कुछ पॉइंट अगर आपको रेफर करना हो बीच में तो
इसलिए मैंने आपको 2 hours का टाइम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि इसमें आप पूरा चैप्टर नंबर 9 कवर कर लेंगे। ध्यान रखना ये बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर को ध्यान से नहीं देखते, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इतना बड़ा चैप्टर है कैसे होगा, छोड़ देते हैं, पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका रेफरेंस कई सारे क्वेश्चन में आएगा। क्लियर? जो आपका एग्जाम्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो 70 मार्क का पेपर होगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 14 मार्क्स का, उसमें भी एक दो पॉइंट मेगा एग्जामिनेशन में से आ जाते हैं। प्लस अगर कभी मान लो टीडीएस का टॉपिक आ गया, क्लियर सर, किन किन केस में टीडीएस कटता है जीएसटी वाला, तो वहां पे एग्जाम सरप्राइज पे टीडीएस नहीं कटता है, तो वहां पे भी सर कौन कौन से सर्विसेज एग्जम्प्ट है वो काम आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, देन कंपटीशन का बड़ा क्वेश्चन आ गया उसमें भी एग्जामिनेशन काम आते हैं। तो रिविजन लेक्चर इसका बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर के लिए। 1 hour 34 minutes का रिविजन लेक्चर है, आप उसको यूज करिए डेफिनेटली इस चैप्टर के लिए, और उसके साथ में बुक ओपन रखिए बेटा, तो इट विल नॉट टेक अराउंड मोर देन 2 hours इन माय ओपिनियन। आइए बच्चों, ये आपका हो गया 5th of December को मॉर्निंग में जब आप उठे हैं, फर्स्ट लोड जब आपने तैयार किया है, तो ये 5 hour 40 minutes लगभग 6 घंटे का टाइम है। ये तीनों चैप्टर बड़े चैप्टर है और तीनों चैप्टर बड़े अच्छे चैप्टर है। आरसीएम और ईसीयू बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, पर यस बीच में मैंने इंसर्ट किया, सो दैट एक छोटा चैप्टर होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका दो बड़े चैप्टर के बीच में। आइए देन चैप्टर नंबर 10, जैसे ही ये तीन चैप्टर आपके हो जाए 5 मिनट का आप रेस्ट करिएगा, देन रजिस्ट्रेशन टीडीएस एंड टीसीएस इट विल टेक अराउंड 1 hour 20 minutes, देन पेमेंट ऑफ टैक्स आपको कवर करना है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 पे आना है, फिर आपको रिफंड्स अंडर जीएसटी ध्यान रखिएगा बड़ा। बेटा इसका भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नॉर्मली आ रहा है कई टाइम से, और क्वेश्चन आने के चांस इसमें भी है, सर्कुलर्स भी आए हुए, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको क्वेश्चनर में, वो भी देखिएगा आप। ओके, आपने मार्क किए होंगे बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जरूर देखिएगा। तो ये लगभग 1 hour 10 minutes इंक्लूडिंग क्वेश्चन भी। ओके, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आरटीपी आपके क्वेश्चनर में से, जो आरटीपी के क्वेश्चन वगैरह दिए, जो अदर क्वेश्चन दिए मैंने उसमें। देन चैप्टर नंबर 18 आपको लेना है, उसके बाद में इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ई वे बिल, इट विल टेक अराउंड 1 hour 10 minutes क्योंकि ई वे बिल इज अ बिग टॉपिक, ये टॉपिक में आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 1 hour 10 minutes लिखा है, हो सकता है आपको कम टाइम भी लगे इसके अंदर। देन डिमांड एंड रिकवरी, बेटा सेक्शन नंबर 73-74 क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। शोकॉज नोटिस कब इशू करना है, कितने टाइम लिमिट के अंदर अंदर शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है डिपार्टमेंट, डिमांड ऑर्डर कितने टाइम में इशू कर सकता है, एंड ऑल दीज प्रोविजंस। देन अच्छा पेनल्टीज वगैरह ध्यान रखिएगा, किसमें डिमांड के केस में, सेक्शन नंबर 73 में पेनल्टी कितना है, 74 में पेनल्टी कितना है, शोको से पहले अगर आपने पे कर दिया टैक्स वगैरह तो पेनल्टी कम हो जाएगी, वो सब जो दे रखा है जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देन अपील्स एंड रिवीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चों आपको याद होगा मैंने पूरा चार्ट बना के आपको समझाया है कि अपील्स कैसे होती है, उसका पूरा फ्लो आपको समझाया है, पूरा चैप्टर उस चार्ट के अंदर कवर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका रिवीजन लेक्चर जरूर देखिएगा, मैंने समरी बुक में भी चार्ट दिया है उसका सब पूरा क्लियर, तो वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट उस चार्ट में कवर हो जाते हैं। रिवीजन लेक्चर विल हेल्प यू आउट, इस चैप्टर का भी बहुत अच्छे से आप रिवीजन करिएगा। ओके, इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, यहाँ मेरे कवर हो गए हैं, ये सारे वो चैप्टर से जो बड़े इंपॉर्टेंट है जीएसटी के, जिनके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। ये हो गया अगेन 5 hour 20 minutes का। तो बच्चों 5 December 2020 नेक्स्ट डे दिन में 2 बजे एग्जाम है आपका, और बच्चों 5 December को 2 slots हो गए, एक मॉर्निंग जब आप उठे तब लगभग 5 hour 20 minutes निकल गए आपके सुबह के, मान लो मॉर्निंग अगर आप 6 o'clock भी उठते हो तो लगभग 12 बजे तक वो कंप्लीट होगा। देन अगर आप ये लेते हो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 और ये जो मैंने लिस्ट दिए चैप्टर नंबर 10, 11, 14, 18, 19 और 22, तो लगभग शाम हो गई है साहब, अब शाम को लगभग 6 बज चुके हैं क्लियर, अब गाड़ी दौड़ानी है आइए कस्टम्स पर चलते हैं अब हम क्लियर। अच्छा इसके बाद जो जीएसटी के रिमेनिंग चैप्टर है वो ये 4-5 chapters पढ़ने के बाद हम देखेंगे। देन कस्टम सबसे पहले पढ़िएगा वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ये 5 mark का ऑन एन एवरेज का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ये सबसे पहले उठाइएगा, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, और बहुत ईजी भी लगता है आप लोगों को, कंफर्टेबली आराम से कवर हो जाएगा 1 hour 10 minutes में क्लियर, इंक्लूडिंग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस मतलब आपको देखना है जो आपने क्वेश्चन मार्क किया सेलेक्टेड वो देखना है आपको। देन जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक्ट सरकार चैप्टर नंबर 26 45 मिनट्स ये लेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ऑन एवरेज, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन कस्टम का ये वाला। देन डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, सर सेफगार्ड ड्यूटी,
एंड जितनी भी एडिशनल डीज ऑफ कस्टम्स होती है वो सब जो चैप्टर नंबर 25 में कवर है इंडिया का डेफिनेशन, ये इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। देन ड्यूटी ड्रॉबैक। बच्चों बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स जो मैंने सुना है, जो मेरे को मैसेज वगैरह आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने मार्केट में देखा है ड्रॉबैक को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी, हमने लॉजिकली हर चीज को पढ़ा, इसके आराम से कवर होगा आपके। ये 31 मिनट का रिवीजन लेक्चर दिया, इसमें सब कुछ कवर किया है। अच्छा, ड्रॉबैक के जो प्रोसीजरल पार्ट के रूल्स है, टाइम लिमिट टू फाइल ड्रॉबैक वगैरह, ये सब कुछ, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते एग्जाम्स के लिए। अगर आपके पास टाइम इन केस अगर बहुत कम लग रहा है आपको, थोड़ा लेट चल रहे हो आप, तो वो प्रोसीजरल पार्ट को छोड़ सकते हो, बाकी आपको जो टेक्निकल पार्ट है ड्रॉबैक का वो जरूर रिवाइज करना है। देन बैगेज, पोस्टल आर्टिकल्स एंड स्टोर्स, बहुत अच्छा चैप्टर, इसका ध्यान रखिएगा। बैगेज चैप्टर में से, बैगेज टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली बन रहा है पिछले कुछ टाइम से, सो बी कॉशियस, और उसके जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे बुक में वो जरूर देखिएगा। बैगेज विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स फॉर यू, आराम से होगा, बहुत इजी चैप्टर है सर ये। आइए, देन ये हो गई, अब लगभग 3 hours 40 minutes निकल गए, लगभग साहब रात में, रात तक पहुंच गए, जब लगता है डर कि सर नेक्स्ट डे एग्जाम है। पर हाँ, जिसने यहां तक कवर कर लिया बेटा, जिन्होंने ये टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए ये सब चैप्टर कवर कर लिए, मेजोरिटी ऑफ दी पार्ट कवर कर, पर बेटा मेजोरिटी ऑफ दी पोर्शन कवर किया है, पूरा पोर्शन कवर नहीं हुआ है। बच्चों गेम चेंजिंग चैप्टर्स आ रहे हैं, ये वो चैप्टर्स है जो असेसमेंट प्रोसीजर्स वाले हैं, टैक्स इनवॉइस हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, असेसमेंट, ऑडिट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, लायबिलिटी टू पे टैक्स, पेनल्टीज, ऑफेंसेज, एडवांस रूलिंग, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस में केवल वो 3-4 सेक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाए थे, जैसे हाउ टू सर्व दी नोटिस, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स वाला सेक्शन। ओके बेटा, ये 2-3 सेक्शन जो मैंने आपको मार्क कराए थे वो जरूर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो कस्टम में मैंने दे रखा टॉपिक, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन, जो प्रोसेसर पार्ट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, देन एग्जम्पशन रिफंड, ऑडिट एंड वेरिफिकेशन, कस्टम का लास्ट चैप्टर, एंड देन लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, माहौल सरकार। ये सब चैप्टर्स फ्रेंड्स, ये सब चैप्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका टारगेट 80 मार्क्स है, 80 नंबर अगर आपको लाने हैं, ये चैप्टर्स आपको देखना ही दे। पर वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि टाइम कंस्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया है, जो रिवीजन लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किया है, ध्यान रखिएगा, टाइम अगर आपके पास कम है तो रिवीजन लेक्चर मैंने हर एक चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर सेक्शन मैंने उसमें कवर किया है, अच्छे से कवर किया, उसको आप देखिए, क्लियर, उसको अच्छे से देखिए, साथ में बुक रखिए आप, और जितना, और वो तो सर जब एग्जाम आपके पास में था तो फुल कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम तो पढ़ाई की स्पीड ऐसी होती कि रॉकेट चल रहा है, रॉकेट उड़ा रहे हम, तो सर उस टाइम पे चैप्टर फटाफट कवर होंगे आपके, देखना, पर छोड़ना नहीं, क्लियर, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों ये पूरे चैप्टर्स आपको सारे कवर करने हैं, डोंट लीव एनी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, ये सारे चैप्टर्स का आप रिवीजन लेक्चर का यूज कर सकते हो, रिवीजन लेक्चर अगर आपने देख लिया इनका ढंग से, अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अलोंग विद द बुक इन योर हैंड, तो डेफिनेटली सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, अच्छे से कवर होंगे, और यू विल बी कॉन्फिडेंट, प्लस उसके बाद भी आपको टाइम बचने वाला है। इस टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लास्ट के 3 hours रखने अपने पास, ध्यान रखिए बेटा, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की आरटीपी एंड एमटीपी आपको देखना है, लास्ट 2 अटेम्प्ट, मतलब नवंबर 2020 आपके एग्जाम्स है, उसके लिए जो आरटीपी आईसीए ने इशू किया वो तो आपको देखना ही देखना है, प्लस मई 20 के लिए जो आरटीपी इशू किया था, नो डाउट एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, पर मई 20 का जो आरटीपी इशू किया था आईसीए ने वो भी आपको देखना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार देखा है एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, सेम क्वेश्चन कई बार हुआ ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेशली, और उससे आप बहुत अपने आप को कंफर्ट जोन में पाएंगे, प्लस साथ में दोनों अटेम्प्ट की एमटीपीज। अच्छा, मॉक टेस्ट पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स में मेजरली पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन है या पास्ट आरटीपी के जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी अपने बुक में कवर है वो ही उन्होंने कॉपी करके पेस्ट किए हुए मैक्सिमम जगह पे एमटीपीज में। तो आरटीपी और एमटीपी लास्ट 2 अटेम्प्ट की आपको देखनी है, 100% देखनी है। अच्छा, इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर डाला है, पर मैं अभी आपको रेफर नहीं करूंगा कि वो लेक्चर अब देखिए आप, क्योंकि डिटेल्ड में डिस्कशन है उसका, वो आप लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हो, आप आरटीपी एमटीपी को फटाफट निकालिएगा और उसके सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स के अंदर,
क्लियर, इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स मेरी कैलकुलेशन आपसे, और टोटल हो गया है जो सब टोटल हमने कर लिया सारे ये 1.5 डे में जो आपने पढ़ा है 27 या 26 मिनट, ये मैंने इफेक्टिवली निकाला कि इतना आपका कैलकुलेशन लगेगा। पर हाँ, इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया, भगवान ने एक चीज हमको कॉमन दी, बराबर दी है सबको, वो है वक्त। आप इस 1.5 डे में थोड़ा और टाइम कितना निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, अगर आपने 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल दिए, तो अगर आप कहीं कुछ लैग कर रहे हो, कहीं आपको टाइम एक्स्ट्रा लग गया, तो वहां टाइम गैप आपका कवर हो जाएगा। तो 27 या 26 मिनट जो मैंने लिखा है, इसके अलावा भी आपको 2-3 घंटे का वक्त मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो मार्जिन होगा जो मैंने टाइम लिमिट लिखी है आपके लिए हर चैप्टर के लिए, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, किसी चैप्टर में कम लग गया, तो वो मार्जिन वहां एडजस्ट कर लेगा। पर मोटा मोटी तौर पर ये है मेरा एनालिसिस कि जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कवर होगा बेटा, प्लस सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, हर एक सेक्शन को आप ढंग से पढ़ भी लेंगे बेटा, एंड इफेक्टिव रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फास्ट रिविजन। ओके, मैं चाहता हूं आपका फास्ट भी रिविजन हो प्लस इफेक्टिवली कवर हो जाए हर एक पॉइंट। तो आप रिविजन लेक्चर जो मैंने हर चैप्टर का यूट्यूब पे जो रिविजन लेक्चर आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, उसको आप यूज करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। एंड हाँ, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, पुट योर 100% एनर्जी, क्योंकि आपको पता है जो हिम्मत दिखा के आपने एग्जाम दिया है, या जो आपने गट्स शो किए है, देखना आपके रिजल्ट्स उससे भी बेहतर आएंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान की अगर देर है पर अंधेर नहीं, क्योंकि हाँ डिफिकल्ट टाइम है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, पर आप ही ध्यान रखिए, जिंदगी में कुदरत जितना टफ एग्जाम लेती है उतनी ही धमाकेदार सफलता हमको मिलती है। कुदरत को बोलो आप, जब भी आपको अपने आप में थकान महसूस होती है, थोड़ा सा डीमोटिवेशन आपको लगता है, बोलो कुदरत को जितना तक परीक्षा लेनी ले ले, जितना टफ लेना एग्जाम ले ले, मैं फाइट करूंगा। और हाँ, जितना टफ आपका एग्जाम होगा उतना ही धमाकेदार आपकी सक्सेस होगी, आपकी सफलता की कहानी लोग सुनाएंगे, ये ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर भी आज जो ब्रांड नेम बन गया सचिन तेंदुलकर, उसने भी बहुत मेहनत करी है। क्लियर, एक दिन आपका भी नाम होगा, बस इस वक्त को आप संभाल लीजिए, मेहनत कर लीजिए, मजा आ जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिए, ये जो कड़ा इम्तिहान होता है, ये शोहरत देने से पहले वाला इम्तिहान होता है, जितना टफ एग्जाम होगा उतनी भारी आपकी शोहरत होगी। और एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।